हाय गाइस, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाएं जिसमें हम मैं होम डेकोर आइटम्स जो मैंने खरीदे हैं अपने रूम के लिए और अपने ऑफिस के लिए वो शो करूं, बट स्पेसिफिकली फ्रॉम अमेजोन एंड देयर इज नो प्राइस लिमिट ऑन इट, बट आई थिंक आई हैव ऑर्डर्ड एवरीथिंग फ्रॉम ₹500 समथिंग, मतलब अंडर ₹500, एंड मैंने काफ़ी आइटम्स एक्चुअली लोकल मार्केट से भी खरीदे, तो आपको उस पर एक वीडियो चाहिए होगा दिल्ली की लोकल मार्केट से, तो मैं वो भी बना सकती हूँ, तो उसके बारे में अगर आपको जानना है तो कमेंट सेक्शन पे रिप्लाई करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला प्रोडक्ट है दीज फेक लीव्स दैट आई हैव गॉट। तो इस बेल में मुझे बेसिकली 5 सेट मिले थे और दीज बेल आर ऑफ डिफरेंट साइजेस, तो ये तो है आई थिंक उसमें कोई मेंशन किया था एंड उसमें लाइक एग्जैक्ट साइज उन्होंने दिया नहीं है, बट क्वालिटी अच्छी है, इट मेक्स योर लुक रूम लुक रियली गुड, सो आई एम हैप्पी विद इट। सो थम्स अप, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट था। मैंने इसको यहाँ पे मिरर पे यूज़ किया, मैंने अपने ऑफिस में भी अपने मिरर पे लगाया है और मेरे पे अभी भी दो पड़े हैं, आई डोंट नो हाउ टू यूज़ इट, सो लेट्स सी हाउ आई विल यूज़ इट। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट इज माई फेरी लाइट। नाउ फेरी लाइट इज समथिंग आई थिंक दैट एवरी वन यूजेज, तो मैंने अपना फेरी लाइट लिया था अमेजोन से और वो था सेट ऑफ टू में, और आई थिंक मैंने एक को तोड़ दिया था ऐसे रैंडमली रखा हुआ, मेरा टूट गया या फिर ख़राब हो गया, आई डोंट रिमेम्बर, बट एक मैं अभी भी यूज़ कर रही हूँ एंड इट्स वर्किंग रियली फाइन। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने लिया है अमेजोन से वो है एक टेबल, और ये मतलब डू इट योर सेल्फ टाइप का टेबल था, तो उस टेबल को मैंने फिर असेंबल भी किया है, मैं वो वीडियो भी अटैच कर दूंगी जिसमें यू कैन सी आई हैव मेड द टेबल, एंड मैं इस टेबल को एज अ टेबल यूज़ करती हूँ जिसपे डेकोरेटिव आइटम रख सकते हैं, मैं बॉबल हेड रखे हुए हैं अपने सारे टेबल पे, या फिर एक कार रखी है या फिर एक बाइक रखी है, आप इसको एज अ नाइट स्टैंड भी यूज़ कर सकते हो या फिर कॉफ़ी टेबल की तरह भी यूज़ कर सकते हो अपनी बालकनी में, तो इट विल गो एंड इट इज़ अ रियली गुड क्वालिटी। मेरी यहाँ थोड़ा सा ब्राउनिश हो गया क्योंकि मैं उसे क्लीन नहीं करती थी, बट इट इज़ अ रियली गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। तो अगला प्रोडक्ट है एक स्टोरेज बॉक्स टाइप का स्ट्रक्चर जो मैंने अमेजोन से मंगाया है, तो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है एक स्टोरेज कंटेनर जो मैंने अमेजोन से मंगाया है, अमेजोन टाइप का बॉक्स जो रोज गोल्ड कलर का है और उसमें मैश स्ट्रक्चर है, तो ये मुझे बहुत ही अच्छी क्वालिटी का लगा था जब मैंने खरीदा, तो इसमें वायर जो नीचे वाला मैश था वो टूटा हुआ है, और इसको मैं बहुत ही रैंडम चीज़ों के लिए यूज़ करती हूँ, मैं आपको शो करती हूँ कि मैंने इसको कैसे यूज़ किया हुआ है। ये है मेरा रैंडम स्टफ रखने का डिब्बा, तो बेसिकली इसमें मैं रैंडमस्ट चीज़ें रखती हूँ, जैसे कि यू कैन लिटरली सी इसमें कुछ भी है, मतलब तार है फालतू के, इसमें मैंने कॉमिक कॉन में पार्टिसिपेट किया था एज एन एग्जिबिटर, उसका भी उसके दोनों मतलब बैजेस हैं एज अ मेमोरी, एंड सो बेसिकली एक एक्चुअली स्टोरेज कंटेनर टाइप का है जो कि मैं जिसको मैं उसकी तरह यूज़ कर रही हूँ, बट सो प्रिटी, मतलब इट कैन बी वन ऑफ योर थिंग्स विच यू कैन कीप टू पुट यू नो योर क्रीम एंड एवरीथिंग लोशन ऑल, एंड इट लुक रियली गुड इन दिस कंटेनर। एक सिमिलर आइटम मतलब सिमिलर कलर का और पेन स्टैंड, तो मैंने वो भी मंगाया था और वो भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का था, तो उसको मैंने पेन स्टैंड की तरह यूज़ किया, बट यू कैन यूज इट एज़ अ फ्लावर वेज़ और समथिंग लाइक दैट, तो वो भी बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। सो प्रिटी एंड ऑल दीज ब्यूटिफुल कलरफुल पेंसिल्स जस्ट गो इन दिस। इसको जब आप खरीदोगे तो ये देखना कि ये मैश वाला एरिया ना टूटा ना हो, क्योंकि आई थिंक मेरे जो दूसरा वाला स्टोरेज यूनिट था वो उसमें मैश टूटा हुआ था, तो या बट ये है बहुत अच्छा, इसी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी, इसका कलर भी बहुत प्यारा है, आई रियली लव इट। जब मैंने फर्स्ट टाइम अपना ऑफिस लिया था तब मैंने कर्टेन और कुशन्स भी मंगाए थे, और कुशन्स जो मैंने लिए हैं वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के कुशन्स थे, सॉरी कुशन नहीं है, कुशन कवर है सॉरी, तो कुशन कवर बहुत ही अच्छी क्वालिटी के थे, उसका जो ऊपर का बेस था वो बहुत ही ऐसे सॉफ्ट वेलवेटिश था एंड वो सेट ऑफ टूथ है, तो मैंने जब अपना ऑफिस बनाया था तब मैंने ब्लू और येलो थीम सोचा था, तो मैंने जितने भी जैसे कर्टेन हैं कुशन है उन सबको मैंने येलो लिया था, और जैसे मान लो काउच है ये सब मैंने ब्लू लिया था, तो मेरी कर्टन भी येलो है, और कर्टन जो येलो है वो बहुत ही मतलब अच्छी क्वालिटी का है, और मतलब उसकी स्टिचिंग क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, मतलब इफ़ यू बाई समथिंग फ्रॉम अ लोकल स्टोर और स्पेसिफिकली लाइक इफ़ यू बाई फ्रॉम अ कर्टन फ्रॉम अ लोकल स्टोर देर आर चांसेस दैट कि वो उसकी ड्रेप अच्छी नहीं बनेगी। कर्टन ऑल्सो आई गॉट फ्रॉम अमेजोन
एंड नाउ दैट आई हैव स्विच्ड माय ऑफिस दिस जस्ट डज नॉट गो विद दिस हाउस बिकॉज हियर द विंडोज आर दिस लॉन्ग सो दिस इज द कर्टन दैट आई वाज यूजिंग इन माय लास्ट ऑफिस फॉर डोर्स आर बीइंग यूज्ड एज कर्टन्स फॉर विंडोज इन दिस ऑफिस सो या यू कैन सी कि इसका विंडो कितना बड़ा है और इसका मतलब दरवाज़ा कितना बड़ा है यू कैन सी दैट इज क्लियर डिफरेंस इन दैट मोबाइल कितनी अजीब लग रही है ना देखने में तो ये है और ये कर्टन बहुत ही अच्छा है मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है कर्टन क्योंकि मेरे लास्ट ऑफिस में जब जहाँ पर मैंने कर्टन लगाया था ना वहाँ से जब लाइट आती थी तो एकदम ही येलोइश इफेक्ट आता था रूम में तो मतलब बहुत ही प्यारा लगता था वो तो यू कैन डेफिनेटली गो अहेड एंड बाय दैट द क्वालिटी इज एक्चुअली रियली गुड तो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है एक मैश स्ट्रक्चर जो आपने बहुत टाइम देखा भी होगा इट इज़ वेरी पॉपुलर ऑन इंस्टाग्राम मैंने काफ़ी लोगों को देखा यूज़ करते हो मैंने अपना तो अमेजोन से मंगाया था इट इज़ अ मैश स्ट्रक्चर दैट आई गॉट एंड आई यूज टू यूज़ इट एज समथिंग वेयर आई पुट माई टू डू लिस्ट ऑन एवरी थिंग और उसको मैं क्लिप्सेस पे चिपका देती थी तो इसके साथ एक धागा भी आया था और मतलब जूट का धागा था वो और इसके साथ वो भी आया था क्या बोलते क्लिप्स भी आए थे तो इसको मैं वैसे यूज़ करती थी और बहुत अच्छा भी लगता था मतलब ऑन माई टेबल सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो आई ऑल्सो विल शेयर कपल ऑफ प्रोडक्ट्स दैट आई गॉट फ्रॉम लोकल मार्केट्स इन दिल्ली डू लेट मी नो इफ यू वॉन्ट टू इफ यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग वेयर आई गॉट दीज एंड व्हाट अबाउट द क्वालिटी एंड वेयर यू कैन गो इफ यू आर लुकिंग फॉर सर्टन प्रोडक्ट्स माई नेक्स्ट वीडियो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थम्स अप दे दें एंड यू कैन ऑल्सो फाइंड मी ऑन इंस्टाग्राम एंड हेयर मैं कहीं पर डाल दूँगी इंस्टाग्राम का एंड दैट्स ऑल एंड माई नेक्स्ट वीडियो बाय